प्रदेश के मुखिया ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को अपने दूसरे बजट के ऊपर भी अपनी ओर से बधाई देता हूं, और इस बात की भी उनको मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं कि जिन्होंने हर वर्ग का जो है इस बजट में ख्याल रखा है और हमारे खेल खिलाड़ियों के लिए जो है और खेलों के लिए जो है वो लेके आएंगे, जिसके अनुरूप आज उन्होंने हमीरपुर में, ऊना के पंजुआ में, मनाली बदरोल में, रहन में, डेरा में, खरी नदौन में, कसुमटी में, जयसिंहपुर में, ढड़ी बाईपास में जो है इंडोर स्टेडियम्स के जो है बहुदेशी इंडोर स्टेडियम जो है उनको बनाने की घोषणा की है। मैं समझता हूँ कि हर विधानसभा क्षेत्र की इच्छा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में भी एक इंडोर स्टेडियम बने, लेकिन जितने हमारे पास संसाधन हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया है कि हमारे फर्स्ट फेज में जो है लगभग जो है 10 ये इंडोर स्टेडियम जो है इस साल जो है वो बनके तैयार होंगे, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अगर इस साल हमारे 10 इंडोर स्टेडियम का माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट उपलब्धता करवाई है, तो इस तरीके से अगर आने वाले अगर आप एक से एक साल में अगर 10 और आते हैं तो पूरे विधानसभा क्षेत्रों में मैं ये नहीं कह सकता कि 100% ही बन जाएंगे, लेकिन कई जगह पहले से भी स्थापित किए गए हैं और कई जगह जो है बनने भी हैं, तो लगभग जो है हमारे 40 के करीब आने वाले समय में जो इंडोर स्टेडियम है वो आराम से जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जो है वो बढ़ा सकते हैं। और जो प्राइज मनी बजट था जो पिछले सरकार के समय जो है अगर इस सरकार की तुलना हम करें तो पिछले सरकारों के समय में इसका बजट जो है हमारा प्राइज मनी जो है उसका बजट सालाना हुआ करता था 7 करोड़, और जिसे कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाकर जो है 19 करोड़ 30 लाख के करीब करीब जो है उसको किया है। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारे खेलों के प्रति जो आकर्षित युवा युवतियां हैं प्रदेश में, और पिछले 5-10 वर्षों में आपने भी देखा होगा कि प्रदेश से काफ़ी अच्छे खिलाड़ी जो हैं नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर जो हैं विभिन्न खेलों में जो है अपना नाम चमका रहे हैं, और जिसके अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी ने ओलंपिक्स में 5 करोड़ रुपये जो है गोल्ड के लिए किया है, और हमारा सिल्वर के लिए 2.5 करोड़ और ब्रॉन्ज के लिए 1.5 करोड़ जो है उसकी जो है राशि जो है वो बढ़ाई है। इसके साथ साथ कॉमनवेल्थ में भी और हमारे जो अलग एशियन जो हैं उसमें भी जो है इनको जो है इन्हेंस किया है, और ये इन्हेंसमेंट ऐसी नहीं है कि सिर्फ 5-10 लाख की हो, ये मैं समझता हूँ कि कई जगह तो 300-400% जो है इसको इंक्रीज़ जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और जो हमारे खिलाड़ी कोई बसों में धक्के खाते थे, कोई ट्रेनों में धक्के खाते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये आदेश हुआ है कि कम से कम उनको 3-टायर फैसिलिटी जो है सरकार अपनी तरफ से देगी, और जो 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर से ज़्यादा है तो उनको खिलाड़ियों को ट्रेन और उसके धक्के ना खाना पड़े, उनके लिए जो है हवाई सुविधाएँ जो है उसका भी जो है प्रदेश सरकार जो है वो प्रबंध करके जो है वो देगी। साथ ही साथ में जो हमारे डाइट मनी है उनको जो है वो 250 रुपये किया है जो हमारे प्राइमरी में है, और जो हमारे प्रदेश में होने वाली है उनको 400 रुपये बढ़ाया है, और जो प्रदेश के बाहर हैं उनको जो है 500 रुपये जो है वो डाइट मनी जो है सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार जो है वो बढ़ाया है। तो मैं ये समझता हूँ कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना इन्हेंसमेंट किया है, और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आने वाले समय में भी इसी तरीके से जो है हमारे खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो है हम अपनी ओर से और सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार हम प्रयास करेंगे कि उनको जो है अच्छी से अच्छी जो है सुविधा मिल सके, ताकि आने वाले समय में जिस तरीके से हरियाणा, पंजाब और अन्य राज्य अपने प्रदेश के लिए गोल्ड, सिल्वर और हमारा ब्रॉन्ज मेडल जो है वो लेके आते हैं, चाहे वो ओलंपिक्स की बात हो, एशियन की बात हो, कॉमनवेल्थ में बात हो, जो लाते हैं हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश भी जो है ओलंपिक्स में जो है अपना कोई ना कोई पदक जो है वो लेके आए।